जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जुहेब और तुसी देख रहे हैं ग्रीन फो पाकिस्तान। सो किसान वीरो, अज आप गल करांगे राय दे तीसरे पानी दे मुतलक और राय दी मौजूदा सूरत हाल की है और मौसम कैसा जा रहा, क्या इन तीसरे पानी दी जरूरत हैगी है और राय दा कद तकरीबन 6 फुट तक हो गया और फली दा बनना फुल होना बिल्कुल अपने रूज ते जारी है और दो पानी लगाने तो बाद थोड़ा यूरिया और DAP की मकदार तो बाद अपना राड़ा राया वो अच्छी हालत में जा रहा, लेकिन इस दफा बारिश नहीं हुई। दिसंबर 18-20 तारीख होने लगी है और इस करके अपन जिहड़ा तीसरा पानी आ मजबूरी की हालत देना पै रहा। हो सकता कुछ इलाकों के जमीन के अच्छा मॉइस्चर होवे राइस जोन के इलाकों के या जिन्हों दोस्तों ने थोड़े लेट राए उन्होंने जमीन के नमी हो जरूरत अलबत्त नहीं, लेकिन जिन्हों दोस्तों ने दो पानी लगाते हैं और जमीन थले खुश्क हो रही हैं उन्होंने चाहिए अपना तीसरा पानी लगा दें ताकि अपनी फसल आ खुशके ना आवे और आप एक तीसरा पानी लगा के अच्छी पैदावार ले लीए ना कि अपनी फसल जी खुशके आए। अगर अपनी फसल थोड़ी खुशके राय की आ गई खास तौर पर जो टेल वाले उपर जो आप देख रहे हैं टेल वालियां फलियां वो मच्योर नहीं होणगियां वो बरीक रह जाणगियां और दाणा उन्हां दा मोटा नहीं होएगा, क्योंकि अगर थल्लों थोड़ी नमी मिलेगी थोड़ी थले खादा पईयां जमीन दे विच वो अच्छी तरह इस्तेमाल करके अपने टेल तक पहुँचा सकेगा राया अपना। इस करके आपां तीसरा पानी कोशिश करनी है जल्दी लगा दीए और थोड़ा मौसम का ध्यान रखदे होया हवा का ध्यान रखदे होया आपां तीसरा पानी लगा दीए। और अगर मैं अपनी गल करां असी अपनी अपाशी जारी रखी हुई है 2 तो 3 दिन तो और ये आप फ्लड कर रहे हैं 20 एकड़ यूरिया 20 किलो यूरिया 20 एकड़ और ये नाल लिक्विड पोटाश बायोट्रैक की फ्रूट सी के नाते 5 लीटर 20 एकड़ इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपने राय का जो साइज आ दाने का साइज़ का वजन वो बढ़ जाए और आप एक 20 एकड़ जी पैदावार वो अच्छी ले सकी। अगर बारिश हो जाती तो कुदरती तौर पर अपन नाइट्रोजन और थोड़ा सल्फर रब वालों फ्री मिल जाना सी पानी के नाल, लेकिन बारिश नहीं हुई इस करके अपन तीसरी पाशी जी जरूरी हो गई है। सो किसान वीरां नूं चाहिए जिन्हों दोस्तों ने दो पानी लगाते थे उन्होंने चाहिए भी अगर अच्छी पैदावार लेनी है तो तीसरा पानी भी लगा दें, थोड़ा खर्चा है लेकिन उसके नाल पैदावार दे विच भी यकीनी इजाफा होएगा।